पंडित जी प्रणाम। जय हो, जय हो जजमान। एक बात हमें समझ में नहीं आती है, जीवित पुत्र का व्रत जो है किसे कहते हैं, तथा इसकी पौराणिक कथा क्या है पंडित जी? यजमान, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जी सुहागन स्त्री अपने संतान के सुख समृद्धि, दीर्घायु तथा धर्म अर्थ काम और मोक्ष के लिए करती जी जी। इस व्रत को जीवुतिया तथा जीवित पुत्रिका व्रत भी कहा जाता है। जी हाँ पंडित। और इसकी कई पौराणिक कथाएं भी हैं, जिसमें एक ये भी है जी। महाभारत के समय जब लड़ाई लगभग युद्ध समाप्त के तरफ था जी जी पंडित जी, उस समय अश्वत्थामा ने अपने पिता गुरु द्रोणाचार्य की मृत्यु की बदला लेने के लिए पांडवों के शिविर में घुस गए। उस समय अभिमन्यु की पत्नी, जिसकी नाम थी उत्तरा, वह उत्तरा उस समय गर्भवती थी। अच्छा पंडित जी। वह अश्वत्थामा उस शिविर में घुस करके उस उत्तरा के गर्भ में जो पल रहा बच्चा था उसका वध कर दिया। अच्छा, अच्छा। और वह अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके उत्तरा के गर्भ को ही नष्ट कर दिया। जी जी। यह बात जब भगवान श्री कृष्ण को मालूम हुई तो उन्होंने अपनी कृपा से उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को पुनर्जीवित किया। जी पंडित जी। इसी से इसका नाम जीवित पुत्रिका पड़ा। ये तो ठीक है पंडित जी, यह व्रत कब होता है? यजमान जी जी, हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष में आश्विन मास के, जिसको हम लोग कुवार महीना कहते हैं जी, आश्विन मास के कृष्ण अष्टमी को हर सुहागन स्त्रिया द्वारा जीतिया का व्रत रखा जाता है। जी जी पंडित जी, जी। ऐसे तो भारत में सभी जगह के स्त्रियां इस व्रत को किया करती हैं, लेकिन मुख्य रूप से हमारे उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड एवं पश्चिम बंगाल में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। हाँ हाँ, आपने तो बहुत अच्छे से समझा, पर ये हमें बता दीजिए यह व्रत किसके लिए किया जाता है? हाँ हाँ जजमान, मान्यता के अनुसार जीतिया व्रत को करने से जी जी। संतान को सुख समृद्धि एवं दीर्घायु की प्राप्ति होती है। अच्छा। इस व्रत को जीवुतिया तथा जीवित पुत्रिका व्रत भी कहा गया। और इस व्रत को करने के लिए कौन कौन से सामान की जरूरत होती है पंडित जी? जजमान, इस व्रत को करने के लिए कुछ मुख्य रूप से सामग्रियां भी चाहिए। अच्छा। जैसे खड़े चावल, पेड़ा जी, हाँ, दुर्वा की माला, पान के पत्ता, इलायची, पूजा की सुपारी, श्रृंगार का सामान और सिंदूर, फूल, गांठ का धागा, कुश की बनी हुई जीवित वाहन की मूर्ति भी चाहिए, और धूप, दीप, मिठाई, फल, बांस के पत्ते, सरसों का तेल, हरी और गाय का गोबर भी जरूरी है। जी जी। इस व्रत के अंतर्गत व्रतिन महिलाएं पूरे दिन निर्जला व्रत का पालन करती हैं। अच्छा अच्छा। और व्रत पारण का समय भगवान सूर्य को अर्घ देने के पश्चात ही व्रती जी, 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 अपना अन्न और जल ग्रहण करती हैं। तथा व्रत पारण का समय जो होता है वह अगले दिन अर्थात तीसरे दिन को ही होता है, समझ गए ना जजमान? इसलिए इसको जीवित पुत्रिका व्रत कहा जाता है। बहुत अच्छा पंडित जी, इस व्रत के विषय में इतना विस्तार से बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो, जय हो।